यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में हम लोग कोई भी पोस्ट क्रिएट करने जाते थे तो वहाँ पर केवल तीन ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, टेक्स्ट पोल, इमेज पोल और टेक्स्ट। तो वहाँ पर एक नया फीचर्स को ऐड किया गया है जिस फीचर्स का नाम है क्यूज। तो इस फीचर्स को कैसे यूज करना है, यह ऑप्शन यानी कि यह फीचर सभी चैनल पर नहीं मिला है। तो जिनको चैनल को नहीं मिला है तो वो लोग क्या करेंगे कि उनके चैनल पर भी यह फीचर्स मिल जाएगा, और जिन लोगों को यह फीचर्स मिल गया है तो वो लोग इस फीचर को कैसे यूज करेंगे, तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे चैनल पर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही यूट्यूब से एंटिक्स वीडियो मिलती थी। तो दोस्तों वीडियो करता स्टार्ट। आपके YouTube चैनल में क्यूज का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप अपने YouTube ऐप्स को प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर ले, इसके बाद क्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा। तब पर भी अपडेट करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप कुछ दिनों तक वेट कर लीजिए, इसके बाद मिल जाएगा। मेरे टेक चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर क्यूज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर यह ऑप्शन यानी फीचर्स मिल गया है। तो दोस्तों क्यूज वाला जो ऑप्शन है, जो फीचर्स मिला है कम्युनिटी टैब में, तो इसे यूज कैसे करना है तो दोस्तों इसे बताने के लिए ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जो क्यूज का जो न्यू फीचर्स ऐड हुआ है उसे कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब ऐप्स को खोल लेना है। यूट्यूब ऐप्स को खोल लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और नीचे साइड में जैसा कि देख सकते हैं आपको प्लस का आइकन आ रहा है, सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे साइड में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट ए पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेगा, जो भी आपके गैलरी में सारा फोटो है यानी आपके मोबाइल में वो सारा आपको नीचे साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। और ऊपर साइड में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्यूज का जो नया है जो कि ऐड हुआ है, जिनमें नहीं आया है उनमें केवल तीन ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग कुछ दिनों तक वेट कर लीजिए, आपके भी यूट्यूब में भी यह ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और तो चलिए हम क्यूज वाले ऑप्शन पर सिंपल जो क्यूज का यहाँ पर ऑप्शन है, सिंपल से जहाँ पर यहाँ पर क्यूज का जो ऑप्शन है इस पर क्यूज वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और जो भी क्यूज यानी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूज योर कम्युनिटी, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने व्यूअर से यानी अपने ऑडियंस से वो क्या पूछना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख देना है। तो मैं पहले से ही लिखा हूँ, उसे कॉपी करके रखा हूँ, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और मेरा क्वेश्चन है जो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो अब जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन मैं डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो आंसर वन लिखा हुआ है तो उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल देता हूँ 5, और यहाँ पर 6, और ऐड ऑप्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड आंसर का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 7। और यहाँ पर एक और ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऐड आंसर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 8। इस तरह से हो जाएगा जो भी ऑप्शन, अगर आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन के हिसाब से तो उस पर सिंपल सा आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ही टिक करना पड़ेगा कौन सही है। तो इस पर क्या करना है, हमें एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो सिंपल सा उस पर यहाँ पर जो टिक है यानी गोला है उस पर सर्किल पर उस पर सिंपल सा क्लिक कर दें। चलिए क्लिक करने के बाद जैसा कि देखते हैं ग्रीन हाईलाइट हो गया, और अब एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं उसके बारे में पूरा यानी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो आपकी मर्जी क्या करना चाहते हैं। तो हम मैं फिलहाल में नहीं लिख रहा हूँ। और इस तरह से लिखने के बाद और आपको क्या करना है, अपने पोस्ट को यानी पोस्ट कर देना है, जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपल से क्लिक कर देना है, यानी क्लिक करने के बाद जो कि आपका पोस्ट है यानी पोस्ट हो जाएगा। चलिए इस जो पोस्ट किया हूँ उसे देखने के लिए मैं दूसरे चैनल को लॉग इन कर लेता हूँ। मैंने जो पोस्ट किया हूँ यानी जो ब्लॉग वाले चैनल पर, तो चलिए उस चैनल को सर्च कर लेता हूँ। चैनल को सर्च कर लेने के बाद जैसा कि कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेगा, और ये हमारा देखिए चैनल टॉप पर आ रहा है तो उस पर सिंपल से क्लिक कर देते हैं और कम्युनिटी टैब वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। जो जैसा कि देख सकते हैं जो कि मेरा पोस्ट किए हुए जो कि कितने सेकेंड हुआ है जो कि 35 सेकेंड ही हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ रहा है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो अगर आपका सही क्वेश्चन यानी आंसर याद है तो आप 7 पर क्लिक कर देंगे, यानी क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हम लोगों को नहीं याद रहता यानी कि क्या होता होगा उसका आंसर। तो चलिए यहाँ पर 7 है तो हम 7 वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक करेंगे तो जैसा कहते समय जो कि करेक्ट का ऑप्शन यानी करेक्ट लिखा हुआ आ रहा है और टिक भी लग गया है, हाईलाइट है जो कि ग्रीन कलर से। और चलिए फिर से 7 पर क्लिक करेंगे तो जो कि हमारा जो वोट है यानी हट जाएगा आंसर दिया हुआ। अगर कोई गलत यानी आंसर दे देता है यानी कि ऑप्शन चूज कर लेता है यानी कुछ लोगों को पता नहीं है कि क्वेश्चन के हिसाब से
अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, अगर वो अगर 8 पर क्लिक कर देता है, जैसे कि मैं 8 पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही 8 पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखेगा यू चूज, यानी इस तरह गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब रहूँगा, जो जो सही आंसर होगा इसका ए होगा, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो आप फिर से उसे आप यानी 7 पर क्लिक करेंगे तो आप करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर एक आंसर लिखा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति ने वोट कर दिया है इस कम्युनिटी पोस्ट पर। आप अपने चैनल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।